और एक बार फिर से रुख करते हैं जितिन प्रसाद से जुड़ी खबर का। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। पार्टी के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दौरारा सीट से लोकसभा सांसद रहे हैं, मध्य यूपी में अच्छा खासा जनाधार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अविनाश, जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए शफान, जो कांग्रेस की बची खुची आस कह सकते हैं जो जितिन प्रसाद से थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा ने आज वो भी खत्म कर दी। क्योंकि जितिन प्रसाद वो चेहरे थे शफान, माफ करिएगा चंदन, जिस चेहरे की बदौलत कांग्रेस को यूपी में एक कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसमें ठीक ठाक पकड़ थी। और पिछले काफी समय से, चूंकि जो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, कांग्रेस जितिन प्रसाद के सहारे ही उस ब्राह्मण वोट बैंक में सेन लगाने की कोशिश कर रही थी। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बहुत दमदारी के साथ तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आज जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की सूचना है, कह सकते हैं कि जितिन प्रसाद के जाने के बाद अब जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। क्योंकि आपको याद है कि पिछले एक सालों से एक ब्राह्मण मंच बनाकर जितिन प्रसाद पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे थे और उसको इस तरीके से देखा जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको कांग्रेस के साथ लाने की एक बड़ी कोशिश है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितिन प्रसाद का इस तरीके से जाना, कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता है और जो कांग्रेस का आला कमान है वो भी अब सोच रहे होंगे कि क्या जितिन प्रसाद को ऐसे छोड़ना सही होगा। क्योंकि चंदन, आपको बता दूं कि जितिन प्रसाद पिछले काफी समय से काफी सक्रिय थे और कहा जा रहा था कि यूपी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे। यूपी में कांग्रेस उन्हें सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रमोट करने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन अब चूंकि उनके भाजपा में जाने की तैयारी, तो वैसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए चंदन, तो जिस ब्राह्मण वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी ने भी नजर गड़ानी शुरू की थी जितिन प्रसाद के भाजपा में आने से, अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सपा को भी एक बड़ा झटका लगा है। आखिर अब इनकी नाराजगी की वजह क्या थी? क्या राहुल गांधी के कभी बहुत करीबी रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा था? यूपी में जब प्रियंका गांधी को पूरी कमान सौंपी गई थी तो क्या उनके साथ तालमेल नहीं बन रहा था? आखिर वजह क्या रही कि जितिन प्रसाद को पार्टी छोड़ने जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए चंदन, ये पहली बार नहीं है। एक साल पहले का जो घटनाक्रम रहा यूपी का, उसमें भी आपको याद दिला दूं कि एक साल पहले भी इनके जाने की सूचना मिली थी कि ये भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब पार्टी सूत्रों से ये खबर आई कि कांग्रेस आलाकमान ने इनको समझा बुझाकर शांत करा दिया है और इनको पार्टी में ही रखा जाएगा। और तभी कांग्रेस के सहयोग से ही जितिन प्रसाद ने एक ब्राह्मण मंच बनाया और उस ब्राह्मण मंच के जरिए जो ब्राह्मण समाज की आवाज थी उसको बुलंद करने की कोशिश की गई। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और लेकिन अगर हम प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो यहां की प्रभारी प्रियंका गांधी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं। और अजय कुमार लल्लू को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था चंदन, तब ये खबर पुरजोर तरीके से सामने आई थी कि हो सकता है कि जितिन प्रसाद को ही यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन तब कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को अपना चेहरा यहां पर नहीं बनाया, जितिन प्रसाद की जगह अजय कुमार लल्लू को बनाया। तो नाराजगी बहुत समय से चली आ रही थी, क्योंकि देखिए जिस ऑरा और जिस कद के नेता जितिन प्रसाद माने जाते हैं और ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस में माने जाते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी एक बड़े ब्राह्मण चेहरा थे कांग्रेस के, बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें तो उस हिसाब से इनको तवज्जो नहीं दी गई, और शायद यही वजह है कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ने का फैसला किया और आज सूचना आ रही है कि वो से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें किस तरह की भूमिका दी जा सकती है? क्या अहम रोल दिया जा सकता है? कोई अभी जानकारी मिल पाई है अविनाश, या फिर अभी ये भविष्य के गर्भ में है? देखिए चंदन, ये निश्चित तौर पर अभी इस बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो इनकी भूमिका तय करेगा, लेकिन एक बात इतना तय है कि जितिन प्रसाद की जो भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़ी होगी। और जितिन प्रसाद को इस तरीके से लाना भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति इसलिए भी बोल रहा हूँ मैं चंदन, की यूपी में ऐसी आपने भी खबर सुनी होगी कि कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण तबका है थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितिन प्रसाद अगर आते हैं भारतीय जनता पार्टी में
तो यूपी बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा होंगे और निश्चित तौर पर हो सकता है, हालांकि सरकार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर रिपीट करती है 2022 में तो सरकार में एक बड़े चेहरे के रूप में इनको शामिल किया जाना तय है। हालांकि कुछ लोग अभी ये भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसी सरकार में इनको जगह दी जा सकती है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जितिन प्रसाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़ा सोच रखा है, सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा होंगे और सरकार में भी इनको एक बड़ी जगह देने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, निश्चित तौर पर क्या कुछ समीकरण होंगे इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है अनिला सिंह जुड़ चुके हैं। अनिला जी, जितिन प्रसाद जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना बड़ा दांव है आप लोगों का ये? देखिए, अगर शामिल हो रहे हैं तो स्वागत भी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो जो कोई भी हो हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो फिर उनको हमारे परिवार की ही आइडियोलॉजी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको स्वीकार करना होता है और परिवार जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। ठीक है जी, आप ये बताया जा रहा है कि एक क्रेडिबल ब्राह्मण नेता की तलाश जो है आपकी पार्टी को लंबे समय से थी और जितिन प्रसाद पर आपकी खोज जाकर के खत्म हुई है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में भी 9 मंत्री हैं ब्राह्मण हमारे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ब्राह्मण नेता नहीं है या हमारे पास ब्राह्मण चेहरा नहीं है। जितिन प्रसाद जी की अगर इच्छा है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की तो उसका हम स्वागत करते हैं, पर और ये हमारे लिए अच्छा इसलिए रहेगा कि कोई भी मजबूत नेता जब किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है जी, तो ये कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जी, तो सीधी सी बात है हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी इनके आने से जी। सचिन पायलट को भी लाने की कोशिश करेंगे क्या, फ्रेंड्स ऑफ राहुल गांधी के लिए विशेष ऑफर लग रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, ऐसा है कि कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आज की तारीख में सबसे मजबूत पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, एक सेक्युलर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो लोग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। कमलाकर त्रिपाठी जी, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैनिक में है और हर जगह ये कर ही यही रही है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को तोड़ा इन्होंने, हेमंत विश्व शर्मा हमारी ही पार्टी के थे, ये एक समय में ये नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का जी, ये कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं जी। तो ये जाने आप, बेसिक चीज ये है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व खत्म हो चुका। आपने अभी देखा होगा विगत दिनों में जो है वो मीटिंग्स में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाया तक नहीं गया, आपस में इनकी इंटरनली इतनी खींचातान चल रही है, नेतृत्व का अभाव है। ऐसे में अगर उनको कांग्रेस के ही नेतृत्व से कुछ बेहतर नेतृत्व समझ में आ रहा है तो ठीक है, वो नहीं, और वो जितिन प्रसाद जी का अगर वो जा रहे हैं तो उनका अपना निर्णय हो सकता है जी, पार्टी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखने जाइए तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितिन प्रसाद जी वर्तमान स्थितियों में अगर इफेक्टिव होते जी, तो इसके पहले की स्थितियों में ये हम इतने कम पे तो नहीं रहते, उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी जी। तो ऐसा, और दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कोई भी नेतृत्व किसी भी पार्टी का हो जी, वो पार्टी में रहता है तो ही वो बड़ा फिगर रहता है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, अभी हेमंत विश्व शर्मा जो है जिनका उदाहरण आपने दिया, आप लोगों ने उनको सीएम नहीं बनाया, वो आज सीएम बन चुके हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान वो कुत्ते से खेलते रहते, तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं आपकी आपकी पार्टी में रहता है तभी उसको जो है फायदा होता है? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं, मैंने तो सारी पार्टियों के लिए कहा, कोई भी नेता जो डेवलप होता है। ठीक है, कमलाकर त्रिपाठी जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस वक्त तस्वीरें कुछ आ रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें कि बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं जितिन प्रसाद। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें जो हैं मनोहारी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा गेन कहा जा सकता है। 2022 के चुनाव से पहले एक बड़ा नाम और बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो है वो पार्टी के साथ जुड़ा है। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, जहां जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं, इससे पहले पीयूष गोयल से मुलाकात की, फिर अमित शाह के घर पर मुलाकात की और अब बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं।
यहां पर औपचारिकता पूरी की जाएगी उन्हें पार्टी में शामिल करने की। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे हैं जितिन प्रसाद, यूपीए 1 और 2 में मंत्री भी रहे हैं, सांसद रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जितिन प्रसाद पिछले कुछ दिनों से पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थी, उस वक्त पार्टी ने उन्हें समझा बुझा लिया और बेबाकी से अपनी बात नेतृत्व को लेकर के उठा रहे थे। G23 जिसका जिक्र बार बार होता है कि 29 नेताओं ने जिन्होंने कांग्रेस में नेतृत्व में के रवैये में बदलाव की मांग उठाई थी, उसमें सिग्नेटरी में जितिन प्रसाद भी थे और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जितिन प्रसाद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर की, अभी इससे कुछ मिनट पहले यहां पर जितिन प्रसाद ने एंट्री ली है और पार्टी में भी अब से थोड़ी देर बाद एंट्री ले लेंगे।